नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पड़ताल। स्कूप वेबसाइट के एक वीडियो से चर्चित हुए शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत होने के दावे किए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है कि ये जो साहब हैं आंखें फाड़ के कहते थे हमें अस्पताल नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, हमें बस मंदिर चाहिए। बड़े दुख की बात है, ऑक्सीजन ना मिलने से लखनऊ में इनकी मौत हो गई। शत शत नमन। इसी के मिलते जुलते कई दावे फेसबुक पर वायरल हैं, ट्विटर पर भी यही दावा किया जा रहा है। हमने दावे की पड़ताल की, हमारी पड़ताल में ये दावा गलत निकला। वीडियो में सड़क और रोटी के जगह मंदिर मांगने वाले शख्स का नाम जितेंद्र गुप्ता है। वो जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने ललन टॉप को बताया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाई है। सर्च करने पर हमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता रविंदर सिंह नेगी का एक पोस्ट मिला। रविंदर नेगी भाजपा की टिकट पर पटपड़गंज से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके मुताबिक वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम जितेंद्र गुप्ता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। नेगी ने लिखा, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जिंदा आदमी को मार देते हैं। ये मेरे परम मित्र जीतू गुप्ता जी जो पटपड़गंज विधानसभा दिल्ली में एक समाज सेवी है, जो बिल्कुल स्वस्थ और ठीक, किसी प्रकार किसी कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ये अपने घर पर है। किसे उनकी मरने की फर्जी खबर डाली है, जिसने भी ये खबर डाली है हम उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाएंगे। हमने जीतू गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता से संपर्क किया। उन्होंने बताया, मैं जिंदा हूँ, मेरे बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं वो गलत हैं। मैंने इसके खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। मैं जितेंद्र गुप्ता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे बारे में जो फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जो गलत खबरें चल रही हैं उनको ना चलाया जाए। जय हिंद। तो नतीजा क्या निकला? वायरल वीडियो में सड़क और रोटी की जगह मंदिर मांगते शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने के वायरल दावे गलत हैं। वीडियो में दिख रहे शख्स दिल्ली निवासी जितेंद्र गुप्ता हैं। उन्होंने बताया वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उन्होंने साइबर क्राइम के तहत शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर आप तक भी ये दावा पहुंचा हो तो इसको कतई शेयर ना करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर अफवाह है जिसकी आप पड़ताल करवाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए पड़ताल @ललनटॉप.com।